हसनपुर क्षेत्र में बिटौरे में मिली अधजली लाश पुलिस ने सुलझाई। गुत्थी महिला के रिश्तेदार ने की थी हत्या। हसनपुर क्षेत्र में एक माह पूर्व अज्ञात महिला की अधजली लाश मिलने की घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के भैसरोली के जंगल में 7 मई की रात्रि को एक उपले के बिटौरे में अज्ञात महिला की अधजली लाश मिलने का खुलासा करते हुए बताया कि उक्त मामले में अमरोहा पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जांच करने के कुछ दिन बाद पता चला कि मृत का सोनी और कुसुम की शादी सैदनंगली क्षेत्र के व्यक्ति सोनू से हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी मौत के बाद अब उसने हसनपुर क्षेत्र के व्यक्ति से शादी कर ली थी। उसी के रिश्तेदार अजब सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर महिला की गला घोंटकर हत्या कर पहचान मिटाने के लिए शव को बिटौरे में रखकर जला दिया था। इसमें मुख्य हत्या आरोपी पकड़ा गया है, उसका साथी फरार है। ये 7/8 मई को हसनपुर थाना क्षेत्र के भैंसरोली के जंगल में एक अज्ञात महिला की अधजली लाश बिटौरे में मिली थी। बाद में जब उसकी शिनाख्त हुई तो पता चला कि उसकी शादी शायद नगली थाना क्षेत्र में हुई थी और उसे 3 बच्चे थे। बाद में उसके पति के देहांत के बाद उसकी शादी हसनपुर थाना क्षेत्र में उसके एक रिश्तेदार ने करा दी थी और उसके 2 बच्चे भी अपने पास रख लिए थे। एक दिन उसके यहाँ वो आई थी और किसी बात पर कहा सुनी हुई, उसी दौरान अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने उसकी हत्या कर दी और लाश को ले जाकर भिटोरे में चला दिया। तो करण का जो मेन मोटिव था वो क्या था, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था इस महिला से छुटकारा पाना। ये रोज़ रोज़ चली जाती है और परेशान करती है। बताया जाता है कि ये महिला अपने बच्चों के न मिलने से थोड़ा विचित्र रहने लगी थी। तो सर आरोपी का नाम क्या है और सब गिरफ्तार हो? आरोपी उसका ही रिश्तेदार है, उसका नाम है अजब सिंह। इसको गला घोट के मारा है क्या? गला घोट के मारा गया है।